छोटे छोटे नियम लो, छोटे छोटे। जब हम छोटे थे तो नियम लेने का बड़ा मजा आता था। तो हम एक बात जरूर पूछते थे, हमें करेला बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हम कोई महाराज वगैरह आते थे, वो कहते थे आहार दो और कहते थे कुछ त्याग करो। हम कहते महाराज करेला त्याग, मुझे अच्छे से ध्यान है। वो कहते हैं करेला अवक्ष नहीं होता तो क्या मतलब, फिर अवक्ष क्या होता है कि आलू, बस उसकी बात मत करो, बाकी सब बात करो। समझ गया नहीं समझ गया है, ये त्याग है हमारे, ये नियम है हमारे। अभी कोई किसी को करेला त्याग कर रहे, आप कैसी बात कर रहे हो, अभी लो अभी छोड़ देते, ये सोचता है कि मैंने कुछ तो नियम ले लिया। क्या क्या पता नहीं कैसे कौन लोगों ने ये सब समझा रखा है। हंसी आती है मुझे उन समझाने वालों पे भी और समझने वालों पे, मजाक बना रखा है जीवन को। चल बहना, अरे भाई गहराई से विचार करो, समझो अंदर कि क्या भरा पड़ा हुआ है, ख्याल में आया कि नहीं आया, क्या कर रहे हैं अपन, किसको ठगने में लगे हुए। तो देखो परद्रव्य में सुख नहीं है, आत्मा की परद्रव्य में सुख है और आत्मा की रुचि नहीं है और परद्रव्य में सुख दिखाई देता है। तो उनके लिए यही बात कहना चाहते हैं कि परद्रव्य में सुख है ये बात तुम्हें अभी दिख रही है, तो होश पूर्वक जहाँ जहाँ सुख दिख रहा है, जिस जिसमें सुख दिख रहा है उसको होश पूर्वक शांति से गहराई से भूको और जाग के देखो कि इसमें सुख है कि नहीं। डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है, कोई कितने ही कहे नरक चले जाओगे, तुम चिंता मत करो, तुम नरक भी जाने को तैयार हो जाना, डरना मत। जो नरक जाने को तैयार हो जाएगा और होश पूर्वक भोग भोगेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, वो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि नरक में जाने के लिए बेहोशी अनिवार्य है। समाधि मरण पता क्या होता है, होश पूर्वक मरना, इसका नाम है समाधि मरण, और बेहोशी में मर जाना इसका नाम है कुमरण। लोग क्या सोचते हैं, बस जी पानी छुड़ा दो, दूध छुड़ा दो, रोटी छुड़ा दो और मार दो, इसका नाम है समाधि मरण। दूध छोड़ने से, पानी छोड़ने से घबराना नहीं, समाधि मरण का रियल में कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो दूध पानी का चक्कर, ये समझा देता हूँ मैं तुम्हें, ये कोई धर्म की बात नहीं है। जो आदमी समाधि मरण नहीं करते हैं उनका भी अंत अंत में खाना छूट जाता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है, इसकी जो बॉडी की स्थिति है वो ऐसी है कि जब ये मरने की ओर बढ़ता है, जब ये बूढ़ा होता चला तो भूख कम होती चली जाती है। आदमी जवानी में अगर 5 रोटी खाता है तो बुढ़ापे में आते आते 2, फिर 1, फिर और कम, फिर और कम, ये दांत गिर जाते हैं, पचाने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो शरीर जवाब देने लगता है कि अब ज़्यादा नहीं पचेगा, अब खाली पेय पचेगा, अब भारी अन्न नहीं पचेगा। ये तो मतलब कोई वैसी बात नहीं है धर्म से रिलेटेड, ये सिर्फ शरीर का विज्ञान है। लेकिन अज्ञानी लोग इस शरीर का विज्ञान नहीं समझते और वे जबरदस्ती डालते हैं तो और बीमार पड़ जाते और मर जाते हैं। अंतर समझ में, इतनी सी बात है। और जैन धर्म बहुत वैज्ञानिक दर्शन है, तो उसने वहाँ आत्मा की साधना तो सिखाई रखी थी और उसको शरीर का विज्ञान पता था, तो उसने कहा जैसे जैसे भूख कम होती जाए वैसे वैसे छोड़ते चले जाते। और हमारे लोगों ने क्या किया कि वो छोड़ना तो पकड़ लिया, और उनने आत्मा की जो अंदर की बात करी थी वो तो पहले ही से नहीं समझी, वो पहले ही नहीं जानी, सो उस पर ध्यान नहीं दी, और बस वो पानी छोड़ दो जी, अंत समय जी, ये छोड़ दो, मत लो मत लो मत लो, मर जाओ, लेकिन पारे पानी तो तुमने जिंदगी भर पिया है, एक दिन नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा भाषण देने लगते हैं। राख तो, अरे राख क्या, जब वो बेचारे को आत्मा पता नहीं, बेहोश पड़ा हुआ है तो उसको भाषण दिए जा रहे, उसकी कोई कीमत है क्या? अभी एक बहुत बहुत बड़े, नाम नहीं लेना मुझे, एक मैंने दृश्य देखा था कि वे एक समाधि मरण पुरुष को संबोधन करने गए, बहुत बड़े साहब, और वे क्या कह रहे, कह रहे किसी भी कीमत पे पानी नहीं पीना तुम,
इतने जिंदगी भर नियम धर्म पाले हैं, अब अंत में आगे पानी मत पी लेना चाहे कुछ हो जाए। उनका सारा समाधिवन पानी पर टिका हुआ है। उनने ना आत्मा की बात करी, ना वेद ज्ञान की बात करी, कुछ करी ही नहीं। और वो कह रहा बस आपको देख लिया, आपका चेहरा देख लिया, आप काय का पानी काय का कुछ। वो भक्ति में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, घबराना नहीं। भक्ति कहती देख मैं स्वर्ग जाना सरल है, क्या स्वर्ग जाने में कोई दवाई नहीं है पैसे। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सम्यक दर्शन नहीं होता, असली आत्मा नहीं मिलता। ये मेरा सारा प्रवचन आत्मा के लिए है, ये पुण्य करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मेरी कोई व्यवस्था नहीं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य तो दो कौड़ी का है। तुम अगर आत्मा की बात सुनते हो तो पुण्य ही पुण्य बनता रहता है। पुण्य में है क्या? क्लियर हो गई बात? तो इतनी बात अच्छे से समझ लें अपन कि देखो भाई, राग को पुद्गल का कहो अथवा राग को जीव का कहो, इन बातों में उलझने जैसा कुछ नहीं है। मूल मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें रागादि दुख रूप लगते हैं कि नहीं। अगर दुख रूप लगते हैं तो आगे बात करी जाए। देखो कई चीज़ ऐसी होती हैं, आपको जरा सी कोई गांठ हो गई, देखा होगा आप, कोई चीज़ें हो जाती कभी कभी शरीर। अपन डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दबा के देखता है कोई दर्द हो रहा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, छोड़ जाओ कहने साहब है तो, अरे कुछ नहीं है। क्या देख क्या कहते हैं वो कि दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा, कुछ हो रहा कि नहीं, हो कुछ नहीं रहा, तकलीफ कुछ नहीं है, फिर जाओ, ज़्यादा भ्रम मत पालो, टेंशन मत लो। ऐसे ही जब हमें रागादि दुख रूप लगे ही नहीं रहे तो हमें रागादि की तकलीफ महसूस ही नहीं होती, और वो जो प्रतिकूलता में होती है सो वो कोई तत्व की बात नहीं है, वो तो हर आदमी को होती है, उसमें कोई नयापन है नहीं कुछ भी, उसमें कुछ ऐसी कोई आश्चर्यकारी बात वो तो बिल्कुल सही बात। तो जब बात इतनी सी है कि फिर तुम काय को ये बहस करने में लगे हो कि राग पुद्गल का है कि राग जीव का है, बोलो बोलो। आप अपने आप को कभी देखना चाहते हो? मैं निश्चयवासी हूँ कि व्यवहार आभास है, बोलो। कभी देखना चाहते हो मैं कौन सा भास चल रहा है? मोक्षों में ये तीन भाषों की चर्चा बहुत होती है, निश्चयवासी, व्यवहार आभासी को प्रकरण में लगा हुआ है और व्यवहार। मैं सबसे पूछता हूँ तुम लोग ये प्रकरण कितने बार सुन चुके और तुमने कब जजमेंट किया कि मेरे अंदर कौन सा भास चल रहा है? जब भी ये अध्याय चलते हैं निश्चयवासी की चर्चा चलती है तो दो चार इमेज बना रखी है, वो निश्चयवासी नहीं समझी, और जब व्यवहारावासी की चर्चा चलती है तो नहीं नहीं ऐसी बात कर रहे हैं, उसकी भी इमेज बना रखी है कि भाई व्यवहारावासी है। एक तो उधर वाले और कुछ इधर वाले भी, इधर भी अब व्यवहारावासी की कमी थोड़ी है, ख्याल में है ना। और जब वो व्यवहारावासी की चर्चा चलती है तो एक इमेज सेट करता है, ये कभी अपने में देखता ही नहीं कि मेरे में कुछ है कि नहीं। अंदर समझ में आया? बहुत बुरी स्थिति है भाई साहब। कल के प्रवचन में एक इम्पोर्टेंट बात कही थी मैंने कि हमारा जीवन इतना खोखला है, इतना कमज़ोर है कि हम धर्म के नाम पर भी सिर्फ और सिर्फ कसाई की पूर्ति करते हैं। जो हमारी कसाई के अनुसार चलता हुआ दिखाई, जैसे हम त्यागी वृत्ति हैं तो हमें धार्मिक आदमी त्यागी वृत्ति दिखाई देता है और हम उसी के पीछे दौड़ते, क्योंकि हमें भी अपनी कसाई की पूर्ति करानी है ना। हम स्वाध्याय करते हैं खूब तो हम ऐसे लोगों के पीछे दौड़ते हैं वे भी खूब स्वाध्याय करते हो, ताकि भी हमारे स्वाध्याय की प्रशंसा तभी तो करेंगे। हम दान देते हो तो हम ऐसे पंडितों के पीछे दौड़ेंगे जो दान की प्रशंसा करें। इस सब कसाई की कीमत रे भाई, इसमें कोई धर्म नहीं है। अंदर गहराई से विचार करो ये बहुत चला जाएगा।